महाराष्ट्र सरकार आता कारवाई करेल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. किरीट सोमय्यांवर आज एक नवा आरोप त्यांनी केलाय. INS विक्रांत भंगारात तर निघाली आहे, पण त्याच्यासाठी सामान्य लोकांकडून जमवलेली गोळा केलेली रक्कम गेली कुठे असा सवाल इथे संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेला आहे. ही रक्कम किरीट सोमय्यांनी जमा तर केली, पण ही कोट्यवधींची रक्कम राजभवनात पोहोचलीच नाही आणि त्याचं पत्र आपल्याला मिळालेलं आहे. के खिलाफ लड़ने वाले महात्मा किरीट सोमय्या जोर जोर से आवाज चलाकर सिरा तान कर बोल रहे. कल ही मेरे पास एक जानकारी आई है, आपको पता होगा 1971 का जो भारत पाकिस्तान का हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश वॉर जो हमने जीत लिया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे नेवी का और ख़ास करके INS विक्रांत. ये विक्रांत की स्थिति जब ख़राब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि INS विक्रांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है, उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ है उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे. वो युद्ध पोत थी तो, लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी. महाराष्ट्र से और पूरे देश भर से उसके लिए मूवमेंट चला. महाराष्ट्र से हमारे सभी पार्टी के नेता दिल्ली में आते थे. उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एक एंथोनी हो या प्रधानमंत्री जी, वो सबको मिलते थे. उसमें अर्थात किरीट सोमय्या भी थे. अगर सरकार की तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता है, तो महात्मा किरीट सोमय्या ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो INS विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा. 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे. उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ शिव विक्रांत